ये रहा यहाँ विष्णुपद मंदिर का नज़ारा। तो फाइनली गाइस हम लोग गया पहुँच चुके हैं, गया जंक्शन। ग्लो आ रहा होगा फेस में। तो गाइस हम लोग दूसरी छोर पे आ चुके हैं। इससे कुछ देर पहले हम लोग उस छोर पे थे, अभी इस छोर पे हैं। तो ये नज़ारा है सीताकुंड के अंदर का। हाँ तो गाइस हम लोग स्टेशन तो पहुंच गए, पटना स्टेशन पर हम लोग का ट्रेन छूट गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग का डे वन है पटना में। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बोध गया और गया को, और साथ में कल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे राजगीर, जो बहुत ही फेमस है पटना में। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए, आज हम लोग आप सभी को ले चलते हैं बोध गया की ओर। तो वैसे अभी सारे हमारे फ्रेंड लोग रेडी हो रहे हैं, तो आइए आप सभी को उनसे रूबरू कराते हैं। हो गया, हो गया। ए, चल 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 फटाफट। हाँ तो गाइस हम लोग का सारा पैकिंग वैकिंग हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और आप मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट स्टेशन पे। हमारे मित्र सत्तू पीते हुए। कितना कप? एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, दो गिलास और गिलास नहीं हुआ। हाँ तो गाइस हम लोग स्टेशन तो पहुंच गए पटना स्टेशन पर, हम लोग का ट्रेन छूट गई और हम लोग यहाँ पे डिसीजन ये ले रहे हैं कि ट्रेन से जाएं या बस से। 0 माइल जाना पड़ेगा। बस के लिए? हाँ हाँ। तो चलो। हाँ तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से। जैसे कि हमारा ट्रेन छूट गई थी, तो अब हम लोग बस की ओर से जा रहे हैं। तो बस से जा रहे हैं किधर? स्टेशन को उस साइड। तो बस स्टैंड उस पार पे है। हेलो, अब मत बोलना टिकट। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जाना है भैया। कहाँ है? वहाँ गांधी मैदान है ना, मतलब गांधी मैदान से टेम्पो मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, वहीं तो हम लोग बस में जाएंगे। हाँ, ट्रेन तो छूट गया। A few moments later. हम लोग गया पहुंच चुके हैं गया जंक्शन। तो कुछ बोलना है तुम लोग को? कष्ट के बाद यहाँ पहुंचा गया है, आगे की दृश्य दिखाई जाएगी आप लोगों को। तो इसका बोलना था, हम लोग बहुत कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो आइए आगे बने रहिए, दिखलाते हैं और क्या क्या घटना हम लोग साथ घटता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं स्टेशन से निकल के खाने के लिए, तो अभी हम लोग चावल लगवा रहे हैं। और ये होटल का नाम है आकाश होटल। तो इधर हम लोग खाना लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग का प्लेट लग चुका है। हम लोग मिलेंगे अभी विष्णुपद।
वहाँ ले चलेंगे। हाँ तो हम लोग अभी करीमगंज पे हैं, हम लोग विष्णुपद मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में विष्णुपद मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराते हैं, बाहर से अंदर से बाहर का नज़ारा देखते हैं। हाँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग टोटो पे बैठ चुके हैं, क्या सही बात है? तो फाइनली गाइस हम लोग विष्णुपद पहुँच चुके हैं, पूरा विष्णुपद मंदिर। वैसे यहाँ अलाउड नहीं है मोबाइल फ़ोन, तो आपको तो बाहर से ही हम दिखला सकते हैं। जैसे ये है और इसके तुरंत बाद हम लोग जाएंगे अभी रबड़ डैम। तो ये रहा यहाँ विष्णुपद मंदिर का नज़ारा। तो गाइस अभी जैसे आप लोगों ने देखा हम लोग विष्णुपद गए हुए थे और उसके जस्ट पीछे अभी आए हुए हैं हम लोग। गंगा नदी है, गंगा घाट एक तरह से, क्या नाम है और वहाँ जो आप लाइटिंग देख रहे हैं सामने वही है रबड़ डैम। वो एक रबड़ से बना हुआ है इसीलिए उसका नाम रबड़ डैम है। उसका लाइटिंग भी चेंज हो रहा है, अभी जाएंगे वहाँ पर। फल्गु नदी है, वाह कलर देखते भाई। सामने को रबर डैम है, रोल है और उधर सीता कुंड है, वो जो लाइट वहाँ वाला सीता कुंड है। तो अभी कवर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ब्लॉग पे बने रहिए। हाँ वही है सीता कुंड ऊपर वाला और वो रबर डैम का कलर चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे, चलो तब चलते हैं ब्रो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रबर डैम की ओर। ये रहा रबर डैम का नज़ारा, माँ सीता सेतु। तो चलिए आप सभी को ऊपर ले जाते हैं और नीचे डैम बांधा गया है, मतलब नदी को, ताकि पानी स्टोर किया जा सके। तो उसी को हम लोग पास से देखने वाले हैं अभी। जय श्री राम। वाह ऐसा बांधा हुआ है, तो इधर तो सूखा हुआ है, इधर तो सूखा हुआ है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं वही है रबड़, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रबड़ डैम। बोला जो पाइप जैसा दिख रहा है वही है रबड़, और ऊपर लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है जो अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं इधर बहुत सारे पब्लिक आए हुए हैं घूमने के लिए। क्या बोला? हाँ ये रबड़ है, हम सोचे भयानक नदी होगा, आज पता चला, पिछले बार आए थे तो पता नहीं था ना। अच्छा इधर गन, हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर ओवरफ्लो करता है। चलो ऊपर जाते हैं, ओके। तो ये लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है तो यही अट्रैक्ट कर रहा है। भाई साहब बहुत लंबा है, देखते हुए कुछ तुम बोलना चाहते हो? जगह अच्छा है, अच्छा है ना, ये आप ट्यूनिंग वाला जो पूल देख रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा है।
तो आप बिहार सरकार को कुछ बोलना चाहते हैं? बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया है दारू बंद करने के बाद सत्यम से भी आप कुछ पूछ सकते हैं, सत्यम बताएं। सत्यम नहीं, अभी हम लोग किए थे, वैसे बातचीत करते आए थे, तो भी कैसा लगा? नज़ारा का मजा लेते हुए चलना है। तो गाइस हम लोग ब्रिज पार कर चुके हैं जो लाइटिंग वाला है, अब जा रहे हैं हम लोग सीतापुर। इधर भी लाइटिंग का पूरा व्यवस्था, चलिए उधर आप कवर करते हैं। तो गाइस हम लोग दूसरी छोर पे आ चुके हैं, इससे कुछ देर पहले हम लोग उस छोर पे थे, अभी इस छोर पे हैं। चलो तब उधर चलते हैं। और एक चचा जाल लगा रहे हैं, हाँ सुबह पकड़ेंगे। चलो उधर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सीताकुंड, ये रहा यहाँ का द्वार। चलिए दिखलाते हैं क्या है अंदर। यहाँ अलाउड है कि नहीं फोन? तो ये नजारा है सीताकुंड के अंदर का। बहुत सारा मंदिर है यहाँ, सूर्य मंदिर है। प्राचीन यहाँ पत्थर है, इन्हीं का पूजा होता है यहाँ पे। सब चट्टान में बना हुआ है, कुछ कुछ आकार मूर्ति वूर्ति उसी का पूजा होता है। चलो चलते हैं। हाँ तो गैस जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग गया में जितना मंदिर था और घूमने वाला जितना भी जगह था सारा कुछ को एक्सप्लोर कर दिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोध गया की ओर, आज वहीं स्टे करने वाले हैं और कल आप लोग को बोध गया को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहीं पर अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।